नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उनाव बांगरामू नायब तहसीलदार व लेखपाल द्वारा दोनों ग्राम प्रधानों के बीच तय की गई सीमा रेखा। यूपी क्राइम ब्यूरो हेड रामशरण कटियार की रिपोर्ट। बांगरामू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आज दिनांक 10 जुलाई 2020 को बांगरामू तहसील के नायब तहसीलदार सचिंद्र कुमार तथा ग्राम उमरिया भगवंतपुर के लेखपाल उदय भान सिंह एवं फरीदपुर कट्टर ग्राम सभा के लेखपाल विनोद कुमार वर्मा ने आज उमरिया भगवंतपुर और फरीदपुर कट्टर के बीच सीमा रेखा 20 वर्ष पुरानी तय की गई। दोनों ग्राम प्रधान फरीदपुर कट्टर ग्राम प्रधान डालचंद और उमरिया भगवंतपुर ग्राम प्रधान धीरेंद्र कुमार के पिता ओम प्रकाश के साथ साथ रमाकांत दीक्षित, मूलचंद, सुनील पुत्र छेदीलाल नयापोरवा एवं गांवों से आए हुए लोग हरिश्चंद्र, जयप्रकाश, गुड्डू, गुड्डू सिंह, रविंद्र सिंह, राधेश्याम, रामदास, रामशंकर, रंजीत आदि बड़ी संख्या में वहां मौके पर लोगों ने मौजूद रहकर इस सीमा रेखा का विवाद हल किया। दोनों ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान व निवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद को नायब तहसीलदार सचिंद्र कुमार के द्वारा हल किया गया है और सीमा रेखा सुनिश्चित कर एक हद तक की गई। यह एक सराहनीय कदम है। पूरे दिन जद्दोजहद होने के बाद आखिर सीमा रेखा का विवाद समाप्त हो गया और कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं होने दिया गया। फरीदपुर कट्टर और उमरिया भगवंतपुर के बीच जो बॉर्डर की सीमा रेखा नापने आए हैं, उसमें क्या समझौता हुआ है? दोनों ही राजस्व ग्राम में सीमाओं को लेकर ओवरलैपिंग की समस्या आती है। ठीक, दोनों ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय लेखपालों द्वारा मिलजुल के और गांव के लोगों द्वारा आपस में सहमति से एक बीच का रास्ता निकाला गया है और उसी पे मेड़बंदी की कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों प्रधान सहमति दोनों प्रधान सहमत हैं, गाँव के काफी लोग सहमत हैं, क्षेत्रीय लेखपाल जो यह सरहद निकाली गई है यही कायम रहेगी कि दूसरे बनेगी? ये आपसी समझौते वाली निकाली गई, आपसी समझौते का है। दोनों ही सीमाएं ओवरलैपिंग है, यहाँ पे सीमाओं का ओवरलैपिंग है, स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं है, इसीलिए विवाद था, इसीलिए आना पड़ा। ठीक है, समझौते से किया जा रहा है, जब तक सभी लोग कायम रहेंगे सीमा कायम रहेगी। ठीक, ओके।